चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही एक सर्वे लेके आने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट के पेपर का फिजिकली तौर पर उनसे मिलकर के एनालिसिस करेंगे, जिसमें ऑनलाइन सर्वे भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। यानी ऑफलाइन भी मैं काफी सारे स्टूडेंट से मिलकर के उनके पेपर में कितने उन्होंने इजी क्वेश्चन किए थे, कितने मॉडरेट किए थे, ये सारा सब कुछ डाटा एनालिसिस करके इसके बाद ऑनलाइन से भी काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर मैंने कलेक्ट करके उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन किए, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज कितना निकल रहा है, ये सारा एक बहुत बड़ा सर्वे किया है। ये मैंने पिछली बार भी किया था और पिछली बार जब सर्वे किया था तो उसके बाद में वो कट ऑफ जो मैंने बताई थी वो एक्यूरेट गई थी। पिछले वीडियो में मैंने प्रमाण भी दे दिया था आपको। तो ये जो सर्वे है इससे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल जाती है जो तकरीबन सही सी रहेगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट से पूरी जानकारी ली गई है, उनको कितने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हार्ड लगे, कितने इजी लगे, कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए, क्या उनका एरर था, ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। तो इस सर्वे का मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज, इजी वाइज, मॉडरेट वाइज, क्वेश्चन वाइज, सब्जेक्ट वाइज कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए थे, एवरेज क्या रहेगा, इन सबको देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 23 के लिए। तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी सभी कोर्सेज के लिए हमारी बुक अवेलेबल है। इसमें आपको स्टेट कोटा की जानकारी मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा की जानकारी मिलेगी। इसमें 4 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दी गई है, बॉन्ड वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है। इसके बाद में इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आपको काउंसलिंग के दौरान उसके बारे में बताया है, काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बताया है, सभी स्टेट्स को इसमें कवर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक 23 के लिए चॉइस लिस्ट दी गई है जिसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल कर सकते हैं, कौन सी कॉलेज ड्रॉप है, किसकी किस ईयर में कितनी कट ऑफ रही थी, कौन सी कॉलेज की हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस कितनी है, सीटें कितनी है, ये सारी जानकारी दी गई है। मैं सोचता हूं कि ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां लिंक दिया गया है, या फिर इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आपका जो भी डाउट है हम दूर करने की कोशिश करेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें सर्वे के बाद कौन कौन से क्वेश्चन इजी रहे, कौन कौन से क्वेश्चन टफ रहे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो फिजिक्स का हम देखते हैं यहां पर, तो फिजिक्स में 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट को इजी लगे हैं, ये एवरेज स्टूडेंट को इजी लगे हैं 23 क्वेश्चंस, जिन्होंने तकरीबन स्टूडेंट्स ने 23 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है फिजिक्स में। इसके बारे में बात करें मॉडरेट की, तो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, इजी और मॉडरेट को मिला के सिलेक्शन रेंज के स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ऐसा माना जाता है हमेशा ही। टफ क्वेश्चन 7 थे फिजिक्स में, इन 7 क्वेश्चन को स्टूडेंट ने करेक्ट नहीं किया होगा और टोटल जो करेक्ट किए होंगे वो 38 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं फिजिक्स में, ऐसा एवरेज है स्टूडेंट का। अब इसमें 2 क्वेश्चन का हमने यहाँ एरर लिया है, ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है कि किसी का जो राउंड है वो ठीक से नहीं कटा, किसी के क्वेश्चन का टिक नहीं लगा, किसी ने क्वेश्चन छोड़ दिया। ये जो 2 क्वेश्चन है ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इन्हीं में कंसीडर हो गए हैं, ये एरर हैं। तो ये 36 जो टोटल करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, 2 क्वेश्चन का हम एरर मान लेते हैं, उसने 2 क्वेश्चन गलत जोड़ लिए होंगे, करेक्ट अगर मानते हैं तो हम 36 ही मानेंगे, नेगेटिव इसी में इंक्लूड हो गए हैं। तो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं, क्योंकि नेगेटिव किसी स्टूडेंट का कम या ज्यादा वो हो सकता है, तो एक्यूरेट क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं जो सर्वे के बाद में स्टूडेंट से उनसे पूछे गए हैं। तो 36 एक्यूरेट जो सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट हैं इन्होंने फिजिक्स में किए हैं, ऐसा हम मान रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी क्वेश्चन थे, ये तकरीबन स्टूडेंट ने इनको किया है, अटेम्प्ट किया है, सही किया है। मॉडरेट थे 14 क्वेश्चन थे, मॉडरेट 14 क्वेश्चन थे और इजी और मॉडरेट सिलेक्शन वाले रेंज वाले स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं। 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए, करेक्ट नहीं किए हैं। 36 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसे रह गए जो सिलेक्शन वाले रेंज वाले स्टूडेंट ने करेक्ट किए हैं, लेकिन इनमें क्वेश्चन इस बार केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफ था तो इसमें एरर ज्यादा हुए हैं स्टूडेंट से। तो एरर यहां अगर मान लेते हैं कि 5 एरर किए हैं, तो 31 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्यूरेट हुए हैं स्टूडेंट के।
जब 31 क्वेश्चन स्टूडेंट के केमिस्ट्री में अटेम्प्ट किए हैं और 36 किए हैं फिजिक्स में। अब बात करें हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में 31 ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी क्वेश्चन थे, तकरीबन स्टूडेंट ने इनको अटेम्प्ट किया है। इसके बाद मॉडरेट थे 54 क्वेश्चन। अगर इन दोनों को मिला के देखें तो सिलेक्शन की रेंज वाले स्टूडेंट ने 85 क्वेश्चन बायोलॉजी में करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे और 4 क्वेश्चन का हम यहाँ एरर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इसी में कंसीडर हो गया है, ये एरर है जो स्टूडेंट से गलतियां होती हैं। टोटल 81 ऐसे क्वेश्चन हो गए जो सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने बायोलॉजी में अटेम्प्ट किए होंगे। अब इसमें हम टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन थे 76 क्वेश्चन टोटल तीनों सब्जेक्ट को मिला के, मॉडरेट थे 83 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट को मिला के, टफ थे 21 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट को मिला के, टोटल 720 मार्क्स में से, क्वेश्चन में से, सॉरी 120 क्वेश्चन में से। अब इसमें जो टोटल अटेम्प्ट किए होंगे स्टूडेंट ने क्वेश्चन, वो 159 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे 180 में से सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने। हो सकता है इनमें 11 का एरर हो गया हो। फिर बता देता हूं, नेगेटिव नहीं है यहाँ, ये एरर है, ये एरर हो गया होगा। तो हम मानते हैं कि 148 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं, ऐसा एवरेज है। यहाँ पर ये एवरेज निकल के आ रहा है काफी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर का सर्वे करने के बाद में। तो ये तो है क्वेश्चन। अब मार्क्स एक बार हम देख लेते हैं, 304 ऐसे मार्क्स हैं जो इजी थे, इजी थे ऐसे स्टूडेंट जिनको इजी क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो इजी थे 304 मार्क्स के इजी थे, 332 के मॉडरेट थे, 84 मार्क्स के पूरे 720 में ऐसे क्वेश्चन थे जो टफ थे। 720 में 636 का सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, इसमें हम 44 मार्क्स का एरर मान लेते हैं, तो 592 यहां पर एवरेज आ रहा है स्टूडेंट का, सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट का। तो हम ये कट ऑफ मान के चल सकते हैं 592 यहां एवरेज आ रहा है। एक बार हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं यहां कि सब्जेक्ट वाइज कितना एवरेज किया होगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ फिजिक्स की पहले। तो फिजिक्स में 36 किया है स्टूडेंट ने, तो 36 में उसमें करेक्ट कितना किया होगा वो देख लेते हैं हम एक बार। तो 144 मार्क्स का स्टूडेंट ने एवरेज किया है फिजिक्स में। ऐसा ही एवरेज एक बार केमिस्ट्री का देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का पेपर इस बार हार्ड था, तो 34 क्वेश्चन हम यहां मान रहे हैं, तो 124 मार्क्स का हम मान रहे हैं कि केमिस्ट्री में सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट ने ये इतना मार्क्स गेन किया है। इसके बाद में बायोलॉजी में अगर हम देखें तो बायोलॉजी में 324 आ रहा है, तो इतना स्टूडेंट ने यहां पर गेन किया होगा 324 का। अगर इनको सबको अगर हम मिलाते हैं 144, 124 और 324, इनको अगर मिलाते हैं तो 592 यहां एवरेज आ रहा है कि स्टूडेंट ने इतना सारा एवरेज किया है यहां पर। अब यहां पर हम आगे देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है फिर यहाँ की। तो हम 3 मार्क्स यहां पर और यहां देख लेते हैं कि हो सकता है 3 मार्क्स किसी स्टूडेंट का, किसी में एरर हो गया, किसी में नेगेटिव हो गया, तो 595 हम यहां मान सकते हैं, 2-3 मार्क्स का यहां हम मान सकते हैं, तो 595 कट ऑफ जा सकती है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को भी मैंने शामिल किया है, लेकिन ये एससी एसटी के कैंडिडेट्स मेरे को काफी कम मिले हैं यहां पर, तो फिर भी मैं ये मान रहा हूं यहां 470 एससी की कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ 450 रह सकती है यहां पर। तो इस प्रकार से हम मान के चल रहे हैं ये कट ऑफ रह सकती है, और ये सर्वे के बाद में है। पिछली बार भी मैंने ऐसा सर्वे किया था जिससे कट ऑफ काफी एक्यूरेट, काफी क्या पूरी एक्यूरेट रही थी उस बार तो, और इस बार फिर भी ये कट ऑफ सर्वे के बाद है। कट ऑफ हमेशा रिजल्ट के बाद ही डिसाइड की जाती है, हम ऐसा मानते हैं। रिजल्ट में कितनी रैंक आती है, हालांकि इस बार सीटें भी काफी बढ़ रही हैं, लेकिन हमें एक बात माननी चाहिए, यहाँ सीट्स काफी बढ़ रही हैं तो स्टूडेंट भी बढ़े हैं। और एक चीज ये भी है कि बैकलॉग कितना आता है, पिछले ईयर से बैकलॉग कितना आता है सबसे बड़ा डिपेंड उस पर करता है, और मैं उसको मद्देनजर रखते हुए ही कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूं। बैकलॉग सबसे बड़ा फैक्टर पड़ता है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के बाद
बैकलॉग का भी बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है यहाँ। तो इन सारे फैक्टरों को देख के ये मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दी है 595। कुछ दिन पहले जो कट ऑफ बताई वही कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। लेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।